हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यूआई डेवलपर कोड। तो आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस पीसुडो क्लासेस। पीसुडो क्लासेस होती क्या है? अब पीसुडो क्लास इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट की एक स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए पीसुडो क्लासेस का यूज़ होता है। अब ये स्पेशल स्टेट्स क्या होती है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई एंकर टैग है, उसकी होवर, फोकस, एक्टिव, तो ये एक एंकर टैग की स्पेशल स्टेट्स हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं? वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन मैं कुछ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन्हीं को आज हम कवर करेंगे। पहली है इसमें फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, n चाइल्ड, ओड इवन, कई बार काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से ओड या इवन को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑफ टाइप, ये भी मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप क्या होता है। और आखिर में आता है एक फॉर्मूला, फॉर्मूले की हेल्प से हम सिबलिंग्स को सिलेक्ट कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने ये सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार किया है, यहाँ पर हम लर्न करेंगे। यहाँ पर पहला जो बॉक्स है, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, n चाइल्ड, ओड इवन, फर्स्ट ऑफ टाइप एंड लास्ट में आता है यूजिंग अ फॉर्मूला। यहाँ पर मेरा ये HTML की फाइल है, सिंपल HTML लिया है, यहाँ पर CSS लिया है। तो हम यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, सेव करते हैं। तो सिंपल यहाँ पैराग्राफ आ गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, जैसे डिव है इसके अंदर ये पैराग्राफ लिए हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड इसी को बोलते हैं। ये पैराग्राफ जितने भी आ रहे हैं, ये पहले वाला फर्स्ट चाइल्ड होता है, ये सेकंड चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड और लास्ट वाला लास्ट चाइल्ड। तो अगर मुझे सिंपल पहले वाले को सिलेक्ट कराना है, पहले वाले पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो CSS में लिख लेते हैं सबसे पहले, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट हो गया, पहले वाला सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट चाइल्ड, सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाते हैं, तो देखिए लास्ट वाला सेलेक्ट हो गया। तो सिंपल यही होता है फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी। हम सिंपल एलिमेंट को, इसकी जो स्पेशल स्टेट बोल सकते हैं, इसको लास्ट चाइल्ड है उसको सेलेक्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं। गाइस, मैं आपको एक फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने ये li में लिया हुआ है, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, और मैंने इस पर यहाँ पर मार्जिन लगा दिया, मार्जिन एट 10 पिक्सल, इसको भी 10 पिक्सल, इसको भी 10 पिक्सल, पर लास्ट वाले में 10 पिक्सल नहीं लगाया। तो यहाँ पर लास्ट चाइल्ड यूज़ होता है, यहाँ पर लास्ट चाइल्ड में मैं यूज़ करूँगा लास्ट चाइल्ड मार्जिन राइट 0 कर दूँगा। जैसे मैं ये li में लिया हुआ है, तो मैं ऐसे करूँगा लास्ट चाइल्ड और मार्जिन राइट 0, उसको सेव कर दूंगा। तो इन कंडीशंस में वो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड काफ़ी यूज होता है। तो अब गाइस चलते हैं nth चाइल्ड की तरफ। मेरा सेम यही इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे nth चाइल्ड में। तो अभी हमें सीखना है nth चाइल्ड क्या होता है। अभी हमने सीखा फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड को कॉपी कराना है, फर्स्ट चाइल्ड पे कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करवाना है या लास्ट पे करवाना है। लेकिन अभी अगर मैं मुझे बीच वाले पे कराना है या फोर्थ वाले पे कराना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में मुझे सपोज कोई मुझे 40 वाला सेलेक्ट कराना है या थर्ड वाला का सेलेक्ट कराना है, कोई से भी सेलेक्ट कराना है, तो वहाँ पे यूज़ होती है nth चाइल्ड प्रॉपर्टी। अब अगर मुझे ये यहाँ पे ये तीसरा वाला सेलेक्ट कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पी nth चाइल्ड और ऐसे ब्रैकेट में लिख दूँगा 3। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेम जैसे पहले किया था सेलेक्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप तीसरा वाला सेलेक्ट हो गया, मतलब अब मैंने nth चाइल्ड में लिखा थर्ड, तीसरा वाला सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे फोर्थ कराना है सेलेक्ट, फाइव कराना है, तो ऐसे ही ब्रैकेट में मैं यहाँ पर 3, 4, 5 जो भी लिखना होगा वो लिख सकता हूँ। तो ऐसे nth चाइल्ड प्रॉपर्टी काम करती है। जो हमारा है ये भी कवर हो गया, चलते हैं ओड और इवन की तरफ। सब कोड को कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये चलता रहेगा। सभी कमेंट कर देते हैं।
चलते हैं ओड और इवन की तरफ। यहाँ मैं सेम कोड पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली पैराग्राफ आ रहा है। तो ओड और इवन कैसे काम करता है, सिंपली जैसे ओड और इवन नाम से आ रहा है, हमें जैसे हम एंथ चार्ट लगा रहे थे सेम जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लेना है। यहाँ पर पी जाएंगे, एंथ टाइप टाइप करेंगे, वो ब्रैकेट में लिख देंगे ओड और सिंपली इसका बैकग्राउंड क्लिक कर देंगे रेड, सेव करते हैं। तो देखिए इसने ओड वाले जितने भी पैराग्राफ इसको मिले उसको सेलेक्ट कर दिया, 1, 3, 5। सेम अगर मैं यहाँ पे इवन लिखता हूँ और सेव करते हैं, तो अब इसने इसको इवन वाले को सेलेक्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको अनचाइल्ड में जाना है और इवन लिखना है या फिर ओड लिखना है और उसको सेलेक्ट करा लेना है। अब चलते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप की तरफ। ये फर्स्ट ऑफ टाइप क्या होता है, हमने फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड तो सीख लिया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ टाइप क्या होता है तो उसको हम हटाते हैं। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप की तरफ। फर्स्ट ऑफ टाइप आ गया। अब गाइस ये जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन इस पैराग्राफ के बाद अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे एच टैग ले लेता हूँ, H5, दिस इज़ अ हेडिंग। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर पैराग्राफ आ गया है और हेडिंग आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हेडिंग को सिलेक्ट कराना है। चलिए मैं इसकी सीएसएस लिखता हूँ, सीएसएस में लिखता हूँ H5 और लिखता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट चाइल्ड सेव तो किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड इसको ये यहाँ पे इस डिव के अंदर पैराग्राफ मिल रहा है इसको, लेकिन मुझे सिलेक्ट कराना है ये चाइल्ड। तो यहाँ इस कंडीशन में जब हमारे पास दो सिलेक्टर्स होते हैं, पी है और यहाँ पर H5 है, इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ टाइप यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ फर्स्ट चाइल्ड तो वर्क नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप, यानी कि स्पेशल उसका टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप है हेडिंग। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो रही है, अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। देखिए इसने फर्स्ट वाले हेडिंग को सिलेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ टाइप का यही यूज़ होता है कि उसको टाइप भी बताना पड़ता है कि ये पैराग्राफ है या फिर डिव है, हेडिंग है, जो भी है। ऐसे ही अगर मैं इसको लास्ट ऑफ टाइप कर देता हूँ, तो ये लास्ट वाला H5 सिलेक्ट कर लेगा, जिसने लास्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे लास्ट वाला पी सिलेक्ट करवाना है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा मैं पी, लास्ट ऑफ पी, और सेव कर देते हैं इसको। अब देखिए इसने लास्ट वाला पी सेलेक्ट कर दिया। तो बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है फर्स्ट ऑफ टाइप। तो गाइस आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सीरीज़ में सिलेक्ट करवाना होता है, जैसे मुझे सिलेक्ट करवाना है कि हर बार तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए, तीसरा फिर सिक्स फिर नाइन्थ, ऐसे करके कैसे सिलेक्ट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। देखिए मैं आपको गाइस दिखा देता हूँ, हम एचटीएमएल में जाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन बनानी है कि मैं हर जित थर्ड वाला पी सिलेक्ट हो जाए, थ्री सिलेक्ट हो जाए, फिर सिक्स सिलेक्ट हो जाए, फिर नाइन सिलेक्ट हो जाए। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला सेम ऐसे लिखा जाता है, एंथ और ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूँगा, सपोज कीजिए मुझे सिलेक्ट करवाना है हर तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट करवाना है, तो मैं लिखूँगा 3n+0। ओह गलत लिखा गया है, nth चाइल्ड, सेव करते हैं, चला के देखते हैं। देखिए इसने क्या किया, हर तीसरा वाला सिलेक्ट कर दिया, 3, 6, 9 और उसके बाद 12। तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर मुझे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये हर सेकंड वाला सिलेक्ट करेगा, सेकंड वाला सिलेक्ट कर रहा है। ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे ये ऐसे करता है, सपोज़ कीजिए मैंने लिखा 2 और n, तो सबसे पहले क्या होगा, n को वैल्यू मिलेगी 1 और उसके बाद +0, ये ऐसे वर्क करता है। उसके बाद सेकंड वैल्यू इसको मिलेगी 2, तो 2 × 2 = 4 और 0, तो ये ऐसे सेलेक्ट कर लेगा 2, 4, फिर 6। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।